हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग आज सोलर चार्ज कंट्रोलर बनाएंगे। दोस्तों, ये जो चार्ज कंट्रोलर होगा ये दोस्तों बेसिकली आपका विदाउट बैटरी भी चल सकता है, यानी कि सोलर से लोड डायरेक्टली चल सकता है। दोस्तों, ये सिंपल सर्किट है, आप घर में खुद आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग एक जो है आप जो प्लाई बोर्ड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इधर फाइबर का ये जो बोर्ड है इसको इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को जो सोलर का डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेप डाउन मॉड्यूल है उसको लेना पड़ेगा। तो इधर मैंने 20 एम्पियर का यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेप डाउन मॉड्यूल क्या है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उधर जाके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली होता है क्या है शॉर्टकट में, तो ये आपका जो सोलर का ज्यादा से ज्यादा जो वोल्टेज है उसको डाउन करके आपका बैटरी के हिसाब से 14 वोल्ट ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। इधर दो प्रोब है, तो इसको घुमा के यानी कि इस पोटेंशियोमीटर को घुमा के आप लोग इसका वोल्टेज और एम्पियर भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, प्लाईवुड में मैंने पहले ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। तो इधर हम लोग जो पोर्ट होगा ये दोस्तों होगा आपका जो मेन जो कंट्रोलर है उसको बैठाएंगे। दोस्तों, उसके बाद हम लोग इधर एक स्विच लगाएंगे। तो ये स्विच क्या करेगा कि आपका लोड का दोस्तों, क्योंकि इसका बैटरी नहीं है इसलिए इसका लोड चलाने के लिए आपको एक स्विच देना पड़ेगा। तो इस स्विच से आपका घर का लोड कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद एक साइड में और भी दोस्तों दो आपको स्ट्रिप कनेक्टर यानी कि वायर कनेक्टर भी बोल सकते हो, तो इसको लगाएंगे। तो ये बेसिकली फांसर का काम करेगा, हम लोगों को घर का लोड जो है वो इसमें आके कनेक्ट होगा। और साइड में जो है इसका दोस्तों सोलर में कनेक्ट होगा, यानी कि सोलर से जो लोड आएगा वो इससे कनेक्ट होके जाएगा। और दोस्तों एक पोर्ट जो है वो हम लोगों को जो वोल्टेज डिस्प्ले उधर जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इधर वोल्टेज डिस्प्ले के लिए मैंने एक ओल्ड पुराना सा एक दोस्तों मेरा जो मल्टीमीटर है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमारा जो कंट्रोलर है इसको मैंने इधर सेटअप कर दिया है। तो इधर से जो आउटपुट आप देख सकते हैं प्लस और माइनस आपको आसानी से लिखा हुआ है, तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो इधर आउटपुट से हमारा कनेक्शन जो है वो लोड में जाएगा। तो उसमें से एक जो वायर है काट करके बीच से, तो वो हम स्विच में लगा देंगे। तो वह हो गया हमारा स्विच से आउटपुट का कनेक्शन। तो हम लोग इसको डिस्प्ले के लिए करते हैं। तो इधर जो साइड में दिया है दोस्तों, इधर से सोलर से आपका कनेक्शन आके इधर लगेगा। और दोस्तों, इधर से हम लोग एक जो आउटपुट लेके हम लोग जो कंट्रोलर का इनपुट में दे देंगे। तो क्या होगा कि आपका जो कंट्रोलर है उसके साइड से आपको कुछ जलने का कोई चांसेस नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा कंट्रोलर में इधर जल जाता है ये आपका जो वायरिंग लूज कनेक्शन के वजह से। तो उधर से दोस्तों और एक कनेक्शन लेके हम लोग जो डिस्प्ले है उधर देंगे। तो मल्टीमीटर का डिस्प्ले में भी हम यूज कर सकते हैं, और आपका जो ऑनलाइन में मिलता है वोल्टेज डिस्प्ले कनेक्टर, तो उधर में भी इसको आप लगा सकते हैं। तो आपको इजीली आपको उधर वोल्टेज शो हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जब पुश करोगे स्विच को तो आपका वोल्टेज डिस्प्ले में शो होगा। तो ये होगा आपका बेसिकली जो कनेक्शन हमारा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग हीट के लिए यानी कि आपको एक फैन लगाना पड़ेगा। आप 12 वोल्ट डीसी फैन मार्केट में इजीली 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा। आप लोग ऑफलाइन मार्केट से लोगे तो और भी सस्ता मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग पीछे से एक वायर को थोड़ा काट करके इसका जो आपका बैटरी के आउटपुट में कनेक्ट कर दीजिए। दोस्तों, ये आपका कंट्रोलर को हीट से बचाएगा, तो ज्यादा कूल करके रखेगा। तो ये हो गया हमारा पूरी की पूरी डायग्राम। और आप देख सकते हैं मैंने इसका पॉजिटिव नेगेटिव या फिर आपका पूरी की पूरी जो नाम है आपको लिख दिया हो, तो ये आपका फंक्शन हो गया। दोस्तों, इसको टेस्ट करने के लिए मैंने जो छोटा सोलर है 5 वाट का उसको मैंने टेस्ट किया। तो इसका वोल्टेज बेसिकली दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर मैंने इनपुट दे दिया हूँ, और दोस्तों आउटपुट में इधर देख सकते कि दोस्तों एलईडी इंडिकेशन जो है वो जल चुका है। तो इसका मतलब है सोलर ठीक ठाक तरीके से रन कर रहा है, हमारा प्रॉपर कनेक्शन हो गया है। और आउटपुट में भी आप देख सकते हैं आउटपुट भी इसका शो हो रहा है। और दोस्तों, हमारा जो वोल्टेज इधर है पुश बटन प्रेस करने में आपका वोल्टेज भी शो हो रहा है लाइन का। और दोस्तों, इसको आप छोड़ देखो तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो पूरी की पूरी कनेक्शन ऐसा है। तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप इस जो 20 एम्पियर मॉड्यूल का आप देख सकते हैं कि मेन जो बैटरी में हम लोग लगाने या फिर लोड चलाने के लिए, तो वो भी मैंने एक वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट बाद में।